लास्ट वीडियो में हम लोग लुकआउट सेशन में अपने इंडिविजुअल वर्ल्ड नहीं बेनेवोलेंट वर्ल्ड को कंप्लीट कर चुके थे। उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड हम लोगों का आता है सार्टोरियल। अब देखो ये आई डोंट रिमेम्बर कि कब पूछा गया है, हमने नहीं नोटिस किया है। आई मस्ट है बट आई डिंट, नो मैटर। ओके अभी नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का आया है कि हिज सार्टोरियल मैनर इज जस्ट। आप समझो इस चीज को, थोड़ा समझने वाला वर्ड है कि सार्टोरियल वर्ड आता कहाँ से है। सार्टोरियल देखो इस वर्ड का जो मतलब कि जन्म हुआ था वो यहाँ से, थोड़ा समझो ये सार्टर वर्ड जो आया है वो वर्ड आया है अपना एक लैटिन ग्रीक वर्ड टाइप का होता था सार्टर, उसका मतलब होता था टेलर। आप सोच रहे हो कि क्यों हम ये बताना चाह रहे थे। देखो ऐसा होता है, एक वर्ड होता है सार्टोरियल, एक होता है सार्टोनिक, सार्डोनिक। और हमने बहुत बार ऐसा देखा है, कई बार तो हमारे दिमाग में भी खुद रह गया कि ये दोनों एक सिनोनिम होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। सार्डोनिक का मतलब होता है फ्रैंक बिहेवियर, मजाकिया अंदाज या फिर कैजुअल बिहेवियर, है ना उस वाला। पर सार्टर का मतलब होता है स्टाइलिश, टेलर होता था इसका वर्ड मतलब सार्टर का उस मीनिंग में, उस लैंग्वेज में। तो उसी से हम जब इंग्लिश लैंग्वेज में ये वर्ड लिया गया तो उसका मतलब आ गया क्या, स्टाइलिश से, स्टाइलिश से वो वर्ड आ गया, मतलब उसका स्टाइलिश हुआ, फैंसी हुआ, है ना। और दिखाने वाले जो हम लोग इलीगेंट एक वर्ड आता अभी नहीं चला था, एक सो ब्यूटीफुल सो इलीगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ, वही इलीगेंट अच्छा दिखने वाला। तो इसका हम लोग एंटोनिम बता रहा था तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम तो अनस्टाइलिश हो जाएगा सिंपली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अब अगला वर्ड है अनकम्प्रोमाइजिंग। कम्प्रोमाइजिंग का मतलब होता है जो व्यक्ति मतलब कि एडजस्ट कर ले, एडजस्टेबल हो, पर ये तो एडजस्ट करने वाला, एडजस्ट जब करेगा नहीं तो अनकम्प्रोमाइजिंग हो गया। ठीक है इजी। कॉमन क्या होता है, कॉमन तो जो इजिली अवेलेबल हो, इजिली अवेल हो, है ना। और जस्ट उसका अपोजिट दे रखा नीचे, वो अपोजिट क्या दे रखा है, नहीं नहीं यहाँ नहीं दे रखा है, सॉरी माई मिस्टेक। क्रूड, क्रूड का मतलब होता है अनरिफाइंड। अच्छा क्रूड का कहीं कहीं हमने देखा है, ऐसे बहुत सारे ऐसे सी के हमने एग्जाम में देखा, शिफ्ट में देखा, जहां पर क्रूड वर्ड को हमने ओरिजिनल में देखा। देखो समझाते कैसे, इसका मतलब वो सेंस जो उन लोगों लगाया होगा एग्जामिनर ने ऐसा लगाया, क्रूड का मतलब होता अनरिफाइंड, रिफाइंड का मतलब होता जो जैसा निकला मटेरियल होता था, पेट्रोल हुआ, पेट्रोल पेट्रोल तो नहीं होता है, ऑयल होता है एक्चुअली में। ऑयल क्या होता है, ऑयल को निकाला गया कच्चा तेल, उसको फिर एक टेम्परेचर डिफरेंस पर उसको गर्म किया था, गर्म किया था तब वहां पर नेचुरल गैस है पेट्रोल डीजल और बाकी की चीजें निकलती हैं। तो सेम चीज अब पेट्रोल डीजल कैसे निकला, जब उसको रिफाइन किया तो पहले जो था वो अनरिफाइंड था, मतलब ओरिजिनल तेल था या फिर ओरिजिनल ऑयल टाइप का था। सेम चीज उसी सेंस में लिया था ओरिजिनल को। एक अच्छा वर्ड हमें ओरिजिनल से याद आ गया है, एब ओरिजिनल, एब ओरिजिनल। इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब समझो ये होता नेटिव लोग। देखो नेटिव, नेटिव और एब ओरिजिनल में थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस ऐसा है देखो सिनोनिम में दोनों आते हैं बट कभी कल को आ जाए ऐसा। तो एब ओरिजिनल का मतलब होता है जिसे कहते हैं ना लोग इस, जैसे लेट से हमने कहा हम लोग एक पर्टिकुलर गांव में बहुत समय से रहे, तब से रहे जब यहाँ पर कोई नहीं रहता था, मीन अंग्रेज नहीं आए थे, राजा जमाने के लोग हम लोग बहुत सारा 1300 AD से रह रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो मतलब हम लोग यहाँ के नेटिव हैं, हम लोग यहाँ के पुराने रहने वाले हैं, उस हिसाब का सीन आता है किसका, ओरिजिनल का। डन चलो अगले वर्ड में चलते हैं। इस वर्ड में, इस सीरीज में हम लोग अब आज हम लोग इस वीडियो में काफी वर्ड करने वाले हैं। दूसरा वर्ड हम लोगों का ऑथेंटिक। ओके ऑथेंटिक क्या होता है सबको पता है, देखो दिस पीस ऑफ आर्ट इज ऑथेंटिक। देखो इससे हमें समझ नहीं आ रहा कि पीस ऑफ आर्ट ऑथेंटिक है, उसके नेचर के बारे में पता चल रहा है बस, और कुछ नहीं क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है। अब ऑथेंटिक वर्ड अगर आपको नहीं पता तो शायद है कि आपने कभी कोई चीज सुनी हो, कहते हैं ना ओरिजिनल है कि नहीं है, ऑथेंटिक का मतलब होता है ओरिजिनल।
जनरल लैंग्वेज में बोले, पीछे वाला ओरिजिनल ना ले लेना। हाँ ये वाला हम लोग घर पे बोलते हैं ना, पापा लोग कहते हैं ना कि चीज लाए हो चाइना माल तो नहीं है ना, वो चाइना माल अगर नहीं है, चाइना माल क्या होता, फेक, ये है चाइना माल, ये चाइना माल, ये है मेड इन इंडिया। तो ऑथेंटिक का मतलब जेन्युइन हो, जो जो जेन्युइन हो, जो फेक ना हो, है ना। ये तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फेक, हमें अपोजिट बताना था, ठीक है, जेन्युइन हो, जो वो जो हम लोगों का सही हो। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सपेंसिव क्या होता, एक्सपेंसिव को मतलब कॉस्टली, महंगा, ओके। रेयर क्या होता, बहुत मुश्किल से अवेलेबल, मतलब कि नॉट इजिली अवेलेबल। इसी को एक वर्ड कहते हैं स्कार्स, स्कार्स, स्पार्स, स्पार्स का मतलब ये होता है बहुत कम, है ना, स्कार्सिटी, सुना होगा, ठीक है। अगले आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का द डिल्यूज अफेक्टेड द पॉपुलेशन। आप समझो, देखो डिल्यूज हम आज क्या सीन लगा सकते थे, पहली बात ये कोई बीमारी हो सकती है क्योंकि इसने पॉपुलेशन को अफेक्ट किया, हो सकता है कोई नेचुरल डिजास्टर हो, ठीक है। जब हमने नीचे पढ़ा तो हमें समझ में आया कि नेचुरल डिजास्टर के बारे में बात कर रहा, क्योंकि क्लाउड बस्ट, क्लाउड बस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा पानी आना, मतलब कि पूरा फ्लड एरिया हो जाना, है ना। ड्रॉट का मतलब होता बिल्कुल बंजर जमीन हो जाना, सूखा आ जाना, है ना, नॉट वेट, लोल सूखा हो जाना, ओके, ठीक है। इसी को एक वर्ड बोलते पार्च्ड, और ये एंडियम आया हुआ है, डोंट वरी, ठीक है, याद रखना। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ काटना, और एक वर्ड होता है अफोरेस्टेशन, अफोरेस्टेशन, अफोरेस्टेशन क्या होता है, प्लांटिंग, प्लांटेशन करना, गलत लिख दिया, प्लांटेशन, ओके। चलो तो डिल्यूज का मतलब आप बताते, डिल्यूज का मतलब होता है क्लाउड बस्ट, असल में इनंडेट, इनंडेट एक वर्ड आता है इनंडेट, देखो इनंडेट का मतलब होता है भरा हुआ, बट ये भरा हुआ होता पानी से, ये वाला भरा हुआ होता पानी से, गॉट इट। तो इसका सिनोनिम नहीं बताना, एंटोनिम तो ड्राउट हो जाएगा, ड्राउट का मतलब होता सूखा पड़ जाना, और ड्रिजल का मतलब होता हल्की हल्की बारिश, हल्की हल्की बारिश, हल्की हल्की बारिश। अरे भाई, ओके, हल्की हल्की बारिश, ओके, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट है डेडिकेशन, ओके। हिज डेडिकेशन इज नोन टू ऑल, हिज डेडिकेशन इज नोन टू ऑल। तो डेडिकेशन वर्ड तो सभी पता है, डेडिकेशन का मतलब क्या होता, डेडिकेशन का मतलब पैशन, है ना, उसके प्रति हम लोगों की क्या सिंपैथी है ना। डेडिकेशन तो सभी पता होता है, मोटिवेशन, ओके। हिज डेडिकेशन इज नोन टू ऑल, डेडिकेशन का मतलब होता है कि उस हम लोग किसी चीज के प्रति कितने सीरियस हैं, सिंपल वर्ड में बोले तो। इसके ऑप्शन में आते हैं तो क्लैरिटी तो होगा नहीं, इसका एंटोनिम, क्लैरिटी का मतलब होता है, क्लैरिटी का मतलब होता है, इधर लिखते हैं इसको, हाँ क्लैरिटी का मतलब होता है जिससे कि ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देना, कोई अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल, जहां तक ये वर्ड आगे पूछा हमें ऐसा याद आ रहा, कुछ ऐसा था, है ना, अनइक्विवोकल, ठीक है, नॉन एजी भी लिख सकते, फिर बहुत सारे वर्ड है उसके लिए, ठीक। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी होगा नहीं, हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता, बैड बिहेवियर करना, बैड बिहेव्ड, ठीक है। एक होता है हॉस्पिटैलिटी, हम पीछे वर्ड में, पिछले वाले वीडियोज में बता चुके हैं, बहुत लंबी सीरीज हो गई है, अब हमें नहीं लगता कि बहुत सारे वर्ड रह गए हैं जो हम लोगों करने रह गए हो। एपैथी, एपैथी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्यों, एपैथी का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड। अब बताओ, एक बंदा लगा है पूरी जी जान से, पैसा है, मोटिवेशन लगा, और ये कह रहा है हमें इंटरेस्ट ही नहीं, तो इसी का यही हो जाएगा सिंपैथी, इसका एंटोनिम, सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड, एपैथी होना, और
न्यूट्रल होना, है ना। ओके मुंडेन, इसका एक वर्ड आता मुंडेन, मुंडेन का मतलब ये होता उदास या फिर कोई इंटरेस्ट ना लेना, ठीक है। चलो एंगर, एंगर को सभी पता है गुस्सा होना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है परस्पिकैसिटी, अगला वर्ड है हम लोगों का परस्पिकैसिटी। ये बड़ा अच्छा वर्ड है, हिज परस्पिकैसिटी वाज रिमार्केबल। अब परस्पिकैसिटी का मतलब क्या होता है, देखो परस्पिकैसिटी का मतलब होता है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस, स्मार्टनेस, अवेयरनेस, उसकी अवेयरनेस कितनी है, या फिर जो इंटेलिजेंस है वो कितना होशियार है। सिंपल वर्ड में बोलो शार्प बंदा, शार्प बंदा, है ना। रिमार्केबल का मतलब क्या होता, नोटेबल, नोटेबल एंड प्लस प्रेजवर्दी, प्रेज वर्दी का मतलब प्रशंसा करने वाला, और नोटेबल का मतलब जो इजीली नोटिस हो जाए, जो लोगों की नजर में आ जाए। ओके तो इसका वो क्या हो जाएगा, ये हमने साइन इसलिए लगा रखा था क्योंकि ये अच्छा वर्ड था, परस्पिकैसिटी नॉर्मल हम लोग नहीं पढ़ते हैं इसलिए नया वर्ड टाइप का कह सकते हैं, यूपीएससी ने यूज किया था। स्मार्टनेस तो हो ही नहीं जाए, सिनोनिम है। डेडिकेशन तो पिछले वाले वर्ड में आया, देख रहे हो 38 नंबर पे डेडिकेशन, इधर पूछे ऑप्शन में डेडिकेशन दे दिया। डेवियसनेस होगा नहीं, डलनेस हो जाएगा, डलनेस का मतलब स्टफ, स्टफ का मतलब होता है बेकार, कबाड़ा वाड़ा। डम्ब एक होता, नीन कम कूक, एक ये वर्ड होता डल के लिए आता है ना, लेजी बंदा। ओके चलो अगला आते हैं, अगला क्या है, ही है जा पेंचेंट, ये जा पेंचेंट फॉर स्पाइसी फूड। अब देखो इसका इजीली सभी लोग बता सकते हैं कैसे, देखो स्पाइसी फूड के लिए लोगों के पास क्या होता है, सोचो जरा। लोग कहते हैं ना हम चटपटा खाने के लिए उत्सुक है, बिल्कुल हम, हमारा ये समझ लो फेवरेट फूड है स्पाइसी फूड, जो चटपटा खाना होता है वो फेवरेट फूड है, तो नॉर्मल कह सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब फेवरेट से है, मतलब कि लोग क्या है स्पाइसी फूड को पसंद करते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पसंद से आ रहा होगा। आप पसंद से आ रहा होगा तो पसंद में क्या आ सकता है भाई, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है एडोरेंस, एडोर, एडोर का मतलब होता है अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब सिंपल में लव, मतलब कि या फिर लाइकलीनेस, लाइक करना किसी चीज को, है ना। ओके और एफिनिटी तो अभी हमने यही बता दिया है, ठीक है। फियर का मतलब है डर, ये इसका तो सेंस ही नहीं आ रहा कोई, डिसलाइक आ जाएगा, डिसलाइक का मतलब मुझे नहीं पसंद करते, फियर का मतलब होता है अफ्रेड, डरा होना, थ्रेटन होना, थ्रेटन का मतलब भी डरा होना होता है। ओके चलो अगले चलते हैं, अब आ गए सिनोनिम, तो सिनोनिम भी हम लोग कर लेते हैं। ओके हम लोग सिनोनिम भी कर लेते हैं, कहाँ गए, चलो मूविंग अहेड, वर्ड है हम लोग, आफ्टर अ गुड मील इट इज इम्पोर्टेंट टू पे अ कॉम्प्लीमेंट टू द शेफ। आप सोचो जरा, एक आपने आपने खाना खाया और खाना कैसा हुआ, वो गुड मील था, गुड मील का मतलब अच्छा खाना आपने खाया, ये आवश्यक है। इट इज इम्पोर्टेंट टू पे अ कॉम्प्लीमेंट टू द शेफ, आप बताओ अच्छा खाने के बाद आप क्या करोगे, शेफ को गाली दोगे जगह, नहीं ना, आप शेफ को क्या करोगे, बधाई दोगे या फिर उसकी प्रशंसा करोगे, तो कॉम्प्लीमेंट का कहीं ना कहीं सीन आता है प्रशंसा से, प्रशंसा का मतलब बढ़ाई से, बढ़ाई का मतलब प्रेज से, मतलब आप क्या करोगे उसको लाउड करोगे, अप्लाउड करोगे, ये यू है बीच में, कैसा ये यू है ना, आप ओके एडोर करोगे, एडोर का मतलब भी प्रशंसा में ही आता, लव और प्रशंसा में दोनों में आता एडमायर। ओके और भी हमने बहुत सारे वर्ड लिखा रखे हैं। ओके मूविंग एड, अरे भाई कहाँ गए, हाँ तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा हम लोगों का, टिप, टिप का तो कोई सेंस ही नहीं रहा, हाँ एडमायर, टिप देखो किस सेंस में आता है, टिप का मतलब होता है एक्स्ट्रा मनी, ये कह सकते हो, नहीं एक्स्ट्रा मनी दे देते हैं वेटर को या सेफ को कि हाँ हमको उसमें दे देते हैं। ओके एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब डांटना, डांटना, स्कोल्ड करना,
डांटना है ना, रिवाइल, रिवाइल का मतलब कोई सेंस ही नहीं आ रहा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज वर्क वॉज लाउडेबल, अभी हमने बताया है अपलाउड करना, लाउड करना, लाउड का मतलब प्रेज करना, प्रेज करना, एडमायर करना, एडमायर का मतलब भी होता है बढ़ाई करना, कुडोज टू। ओके और एक आता है को टू, एक आता है कोटो, कोटो का मतलब भी होता है प्रशंसा करना। चलिए आगे चलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, लाफेबल, लाफेबल नहीं होगा, लाफेबल का मतलब होता है हास पदक, मतलब हंसने योग्य नहीं, हंसने योग्य नहीं, बड़ाई के योग है। बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है फियरलेस, जिससे कोई डर ना हो तो बोल्ड भी नहीं हो जाएगा। लाउड का मतलब होता है तेज, है ना, लाउड वॉइस सुनी होगी, फियरलेस। वैलेंट, इसका एक वर्ड आता है वैलेंट, एक होता है गैलेंट, गैलेंट्री का वर्ड सुना होगा उसी वाला, गैलेंट है ना, फियरलेस। ठीक है चलिए ब्रेव, हाँ वर्ड दिमाग में आ रहा ना, इसलिए हमने एक जगह छोड़ दी। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, कॉम्पिटेंट। आप देखो, राज इज अ कॉम्पिटेंट कारपेंटर, ये वर्ड हमें लगता है इंडिया 2022 में आए हुए हैं सभी वाले, ये पूरी कुछ हमने दिया था ना तो हमें याद आ रहा। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कैपेबल, राइवल कह सकते हैं उसको हम लोग। ओके कॉम्पिटिटिव कह सकते, कॉम्पिटिटिव जो आपके कंपटीशन में हो, है ना, तो क्या हो जाए कैपेबल। एक्सेप्शनल नहीं होता, एक्सेप्शनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो ऑर्डिनरी, तो नॉर्मल लोग जैसे हम, एक्स्ट्रा मतलब वो हम लोगों से भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा है, कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड है वो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं ना, कुछ फ्लेयर होते हैं कुछ, ये कौन वाला फ्लेयर ही? इस फ्लेयर का मतलब होता है आग, के FLAR वाला का मतलब होता है आग, ये वाले फ्लेयर है। ठीक है फ्लेयर का मतलब उज्ज्वल भविष्य। इनएडेप्ट का मतलब क्या होता, इनएडेप्ट का मतलब होता अनस्किल्ड, अनस्किल्ड जिसके पास कोई स्किल ना हो, है ना, इनएप्ट, इनएप्ट भी बोलते हो। क्लमसी का मतलब होता भद्दा, जिसे ऑकवर्ड बोल सकते हैं, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मूवमेंट हो जाता है ना, कुछ कुछ ऐसे वाले, वही वाले। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ही सॉरी, आवाज हो सकती थोड़ी सी को दिक्कत वाली हो, जुकाम है। ही इज डिलीजेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट। आप देखो सिंपल, इसमें यूपीएससी खेल गया है। देखो जब हमने ये दिया था ना तो हमारा भी दिमाग 2 मिनट के लिए चकराया था, ऐसे चकराया था, क्योंकि डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग के हमने बहुत सारे वर्ड लिखा रखे हैं। हार्ड वर्किंग का हम लोगों के पास होता था लेबोरियस, है ना, हार्ड वर्किंग के हम लोगों के पास होता था एक एसीडुअस, और भी बहुत सारे वर्ड होते जैसे पेन स्टेकिंग, टोलसम एक वर्ड होता है, हार्ड स्टेकिंग सॉरी इसके इंडस्ट्रियस, याद करने की भी ट्रिक बताई थी, इंडस्ट्री में काम करते हैं, गधे की तरह काम करते हैं, पेन लेते हैं, पेन का मतलब दर्द उठाते हैं, और उनके शरीर से पसीने की तरह, तेल की तरह पसीना निकलता है, और ऐसे लेबोरेटरी में काम करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ऐसे वर्ड याद करने की भी ट्रिक बताई थी। बट इसमें कहीं पर भी एक वर्ड ऐसा नहीं है जो हार्ड वर्किंग से हो, तो इसका सेंस पता किस सेंस में लगा रहा है, यूपीएससी ने इसको सेंस में दिया था या फिर एग्जामिनर ने जो सेट किया तो वो सेट इस हिसाब से किया था कि इसका सेंस हम लगाएंगे अवेयरनेस से, कि बंदा कहता अवेयर्ड है, हार्ड वर्किंग है तो मतलब अवेयर होगा, अवेयरनेस से कॉशियस होगा बंदा। ओके तो अब डिली डेलिंग, डिली डेलिंग का मतलब होता प्रोक्रास्टिनेस, मतलब कि लेट करना, है ना, लेट करना, पुट ऑफ। ओके पुट ऑफ का मतलब लेट करना। एक वर्ड होता डॉडल, एक होता ड्यूंडल,
ऑल दो हम बता चुके हैं, बट कमेंट में फिर भी हमने कहा इंगेजमेंट के लिए आप एक बार बताना हमें क्या होता। चलो अगला आता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का क्वेश्चन नहीं पूछा, कंसाइसियस। कंसाइसियस का मतलब होता अवेयर्ड, अवेयर्ड और शार्प, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। अवेयर्ड भी हो, शार्प भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, उसे एक बोलते कंसाइसियस। ओके, तो ये अच्छा वर्ड था, ये अच्छा वर्ड था। चलो अगला चलते हैं। अगले इसमें भी देखो, इसमें भी थोड़ा खेल गए। कैसा देखो एक मिनट। ओके, ही अपियर्स टू बी रेटिसेंट। अब रेटिसेंट की बात क्या हो गई है, ये इसकी नेचर की बात हो रही है। तो नेचर क्या होता, पहली बात तो इसका हम सिनोनिम बता देते। रेटिसेंट का मतलब होता शांत, शांत प्रकृति वाले, जिसे हम लोग बोलते हैं रिजर्व्ड। रिजर्व्ड अच्छा वर्ड आता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट आजकल बड़ा उसमें चल रहा है, चलन में, कि इंट्रोवर्ट लोग किसी से बात नहीं करते, उनका ये है वो है, मतलब वो अलग चीज। तो वही वाला इंट्रोवर्ट है ये, कि जो लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, है ना। रिजर्व इंट्रोवर्ट वाले। साइलेंट वी सी में आता है। और फिर आता हम लोगों का इस वाले क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा वर्ड विड्रॉन। विड्रॉन का मतलब होता है शांत रहना, शांत प्रकृति का उसका नेचर है विड्रॉन। विड्रॉन का मतलब उसका नेचर है शांत रहने वाला। ओके, रेटिसेंट तो अपना है। ओके, रेटिसेंट रिजर्व। ओके, तो इसका सही आंसर होगा विड्रॉन, ना कि साइलेंट। ओके, हमने बहुत जगह चेक भी किया, हमने बहुत जगह मतलब कि चेक भी किया, ऑफिशियल आंसर की भी आ गई है, हमने उसमें नहीं चेक किया है भाई, शायद अभी तक नहीं चेक किया। बट हमने जब पेपर देकर आए तब हमने बहुत जगह चेक किया था, बट विड्रॉन ही हमें सही लगा था। हम अच्छा चलो उसको छोड़ो, विड्रॉन तो सही है हमें पता है, बट एक्सपेंसिव क्या होता है। ये एक्सपेंसिव नहीं, ये वो वाला एक्सपेंसिव नहीं है। ये देखो जहाँ अभी हमने कुछ बताया था, एक्सपेंसिव कहाँ गया, ये रहा नहीं। अरे भाई आ जाओ, अरे ये वाला, ये है ई वाला, ठीक है। ई और ए का आप डिफरेंस बताते हैं, देखो कहाँ गए। एक होता एक्सपेंसिव, EXPENSIV, एक्सपेंसिव, इसका मतलब होता है कॉस्टली, है ना, महंगा। एक होता एक्सपेंस, इसका मतलब होता है वाइड रेंज, स्कोप, कितनी दूरी तक जा सकता, कितनी कितना फैलना, फैलना किस कोई चीज कितना फैल सकती है। इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, वरना मोटापे को अभी कह दो कि मोटापे को बढ़ा रहे हो, नहीं फैलने की बात हो रही है कि कोई भी चीज कितनी फैल सकती है उसका। और जॉली का मतलब होता है हसमुख नेचर वाला। ओके, तो ये दोनों भी नहीं होंगे। चलो आगे चलते हैं। अच्छा ए और ई से एक अच्छा वर्ड याद आए, इनका जरा डिफरेंस बताना हमें, हम बता चुके हैं, नहीं तो फिर हम ही क्लियर करेंगे। एडेप्ट और एडेप्ट, पहली चीज ये एडेप्ट पीछे हुआ था क्या, इन एडेप्ट हाँ आया था। चलो एडेप्ट बता लो गया यू, एक बताना हमें एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। इसमें ई और ए का ज्यादा डिफरेंस, उससे भी ज्यादा एक सी का डिफरेंस है, पर सबसे अच्छा डिफरेंस आता है इसका, ठीक ना। एक मिनट। इफेक्ट एंड अफेक्ट, अगर ना बता पाना प्लीज आप एक बार कमेंट में कह देना कि इस टाइमलाइन पे क्या वर्ड होंगे, हम उसका आंसर दे देंगे और बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। बट अगर आप इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो अगर आपको सेशन अच्छे लगते हैं तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर द वीडियो यार, बाकी लोगों की भी हेल्प होगी, है ना, हमें भी अच्छा लगेगा और बाकी लोगों की भी हेल्प होगी। यू गाइज ऑल्सो फील द वेल दैट यू आर हेल्पिंग योर अदर ब्रदर एंड सिस्टर्स, है ना। पर्सनली हमें तो अच्छा लगता है, दैट्स वाई आई एम हियर हेल्पिंग द माई ब्रदर एंड सिस्टर्स। ओके चलो अगला वर्ड करते हैं। ही इज ऑलवेज जूवियल। जूवियल का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी नेचर का, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लिस, ये वर्ड होता है ब्लिस, ब्लिस होना,
ब्लिथ भी एक वर्ड होता है, ब्लिथ का मतलब ही हैप्पी होना होता है ना, जो अली अभी पीछे बताया ही था हमने। एक मेरी का मतलब भी होता है हैप्पी, जैसे मेरी किस्मत बोलेंगे तो हैप्पी किस्मत उसकी जगह बोलना चाहिए, बट मेरी का मतलब भी होता है हैप्पी, हैप्पी तो इसका वर्ड क्या हो जाए, चेयरफुल, चेयरफुल का मतलब हैप्पी। कैलस का मतलब क्या होता है, मर्सीलेस, जिसके पास कोई दया भाव नहीं होती है, कहते हैं ना तुम दयाहीन हो, वही वाला मर्सीलेस बोलते हैं उसे। ओके, इसे एक बोलते हैं हार्ड स्किन्ड, हार्ड स्किन्ड, हमने तो इसे ऐसे याद कर रखा है, गेंडा होता ना, हाँ वही वाला गेंडा स्वामी वाला, उस वो कहता था विलन था, मतलब उसे कोई भी मर्सी नहीं थी, हार्ड स्किन मतलब जिसकी चमड़ी मोटी हो, चमड़ी मोटी वाला आदमी। गारुलस, गारुलस अच्छा वर्ड है, गारुलस का मतलब है जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का आई मीन जो ज्यादा बातें करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स हम लोग बोलते हैं उसे, टॉकेटिव। ओके, अगला है क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब होता है जिस बिलीवेबल, जिसपे हम लोग बिलीव कर सके, ये और आएगी बिलीवेबल, इसका मतलब एक इनोसेंट में भी आता है, समझो एक शांत, जो शांत स्वभाव का होता है, जो ईमानदार बंदा होता है, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, इसी को एक वर्ड होता है नेव, NAIV, नेव का मतलब ही इनोसेंट होता है। ओके, स्केप गोट, अब देखो इसका स्केप गोट से रिलेशन वैसे है नहीं, पर हम बता देते, स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा, मतलब कि वो इनोसेंट होते हुए भी उसे कल्प्रिट घोषित कर देना, बलि का बकरा, बलि का बकरा, बकरी का बकरा बोल रहे हैं, लिख कुछ और रहे, बोल कुछ और रहे, बलि का बकरा, हम पागल नहीं है भैया। ओके, क्या मोहन इवेंट्स, मोहन इवेंट्स मोरोज डी डेट, ओके ओके ओके, मोरोज का मतलब होता है, पता इस वाले टेस्ट के बाद, इस वाले पेपर के बाद हमें ये लग गया था कि यूपीएससी अपना पुराना रंग दिखा रही है, मतलब कि वही सड़े गले वर्ड बेकार बेकार से, फिर उसने ND1 2023 होता है, फिर सभी को याद आता, नहीं, कुछ तो हुआ है, बट फिर से आप जाओगे तो इस चैनल पे एक शॉर्ट पड़ा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो वर्ड्स आए हैं ND1 2023 में, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से आए हैं, देखना जाकर, आई रिकमेंड दैट शॉर्ट, वो एक पीडीएफ है, उसमें सब कुछ आ जाता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वोकैब का तो पूरा हो जाता है, इतना इजी है, पूछता है पता नहीं कैसे, चलो उसको कभी और दिन बात करेंगे, चलो आप ये सेशन करते रहोगे तो आपका वोकैब वाला पूरा पार्ट मेरी जिम्मेदारी है, अगर याद करोगे तो, वरना हमारी जिम्मेदारी तो हम ही भी निभा पाएंगे ना, आपकी तरफ से तो ताली आएगी नहीं, तो हाउ कैन इट बी सो लाउड दैट इट विल ब्रिंग द रिजल्ट इन ऑन योर टेबल इन योर फेवर। चलो, मोहन मेंस मोरोज डीजे, मोरोज का मतलब होता है मुंडेन, मुंडेन का मतलब होता है सैड, ग्लूमी, हम लोग इसे एक बोलते हैं ड्रेरी, एक बोलते हैं ड्रेरी। ओके, सैड ग्लूमी, मुंडेन भी इसी में आ जाएगा फिर तो, बहुत बर्ड है, मेलनकली, कहाँ कुचली, ल्यूगुब्रियस, ओके बहुत सारे वर्ड है, तो इसका क्या इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब नहीं होता, इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब अपने अंदर झांकना, अपने अंदर अपनी जांच करना। जेनरस का मतलब होता है काइंड, बहुत बार बता चुके हैं, हेल्पफुल है ना, जो दूसरों की मदद करता हो, तो ये भी नहीं हो जाए। चिरपी का मतलब होता है, वो चिरप सुना है ना, वो चहकाना, वो वर्ड्स वाली चहकनी, बर्ड की चहकना, वही वाला। सलेन इसका सही हो जाए, सलेन का मतलब होता सैड, शांत बैठना। चलो आगे चलते हैं, ही वाजा रिलक्टेंट लर्नर। ओके, देखो रिलक्टेंट हमने क्लास 10th में याद किया था, क्लास 10th में, और क्लास 10th से हमें ऐसा याद हो गया कि ये ऐसा रट गया है, डर रहता था विजय सर का, ऐसा रहता था कि याद हो गया है, इसका मतलब होता अनविलिंग बस, और हमें कुछ नहीं याद रहता था,
रिलक्टेंट अनविलिंग, क्लास 10th के हमारे वाले जो क्लास 10th था उसके उन हर बच्चे को शायद याद होगा, कुछ दोस्त आए उनका नाम लेना चाहेंगे, वेदांत रटा था उसको, ये वर्ड तो रटा था उसको इंग्लिश में, और कुछ ना आता था उस टाइम भाई, 9th में था कि 9th है या 10th उसका टाइम की बात, उसको 10th में बड़ी दिक्कत होती है, उसने एक बार 10th में उसने पिटाई की थी, फिर हमसे कहा था भाई सिखा दो, हमने कहा ओके ट्राई करेंगे, बट उसने दूसरे दिन पता नहीं क्या घोल पी के आ गया तो उसको 10th आने लग गए थे, उसने रट लिया था कुछ चीजें, उसी में से ये भी चीज थी शायद, वो कह भी वो होते थे ना वर्ड, क्या था वो चैप्टर था एक टॉम वाला शायद, पेंट वाला, उसके लिए उसमें शायद वर्ड आता था जैसा कि हमें जितना याद है, तो अनविलिंग ओके, तो इसका मतलब था अनविलिंग, काम अपनी इच्छा से काम ना करना, तो एंटुजियास्टिक होगा ना, एंटुजियास्टिक मतलब खुशी से काम करना, अच्छे से काम करना, उछल उछल के काम करना, ईगर का मतलब होता कीन, कीन का मतलब ये होता जानने के लिए उत्सुक कोई चीज, अनविलिंग सही हो जाएगा, फियरफुल तो होगा नहीं, फियरफुल का मतलब डरावना होता, ठीक है, एंटुजियास्टिक कीन और ये तीनों आपस में सिनोनिम है, ओके चलो। हाँ, अमित इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स, ओके ऑप्टिमिस्टिक हमको बताना, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है सभी को पता है, वन हु सी एट द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग, ब्राइटर साइड पे जो देखता हो, ब्राइटर ब्राइट साइड की तरफ जो देखता हो, मतलब कि अच्छा अच्छा सोचता हो जो, तो पेसिमिस्टिक तो इसका अपोजिट हो जाएगा ये, पेसिमिस्टिक का मतलब वन हु सी द डार्क साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट या थिंग्स, अनकेयरिंग, अनकेयरिंग का मतलब होता है जिसे कोई चिंता ही ना हो, जैसे कि जिसे हम लोग बोलते हैं केयरलेस, इनकॉशियस, एक वर्ड हो इसी को बोलते हैं हीडलेस, याद रखना ओके, केयर फ्री ये भी हटाओ, ये दोनों हट गए, केयर फ्री अच्छा उतना सेंस में नहीं आता, तो केयरलेस में नहीं आए, केयर फ्री का मतलब होता जो सभी चीजों से मुक्त है, जिसे अभी हम लोगों ने एक वर्ड पीछे पढ़ा था एपेटेटिक, उस सेंस में आता केयर फ्री है ना, चिंता मुक्त हो जो, और ये होता जो चिंता ही ना करता हो जानबूझ के, लापरवाह है, सेंग्विन, सेंग्विन का मतलब होता है जो अच्छी चीजें सोचता हो, है ना, जो भगवान की पूजा करता हो, जो चीजों को अच्छी नजरिए देखता हो, वो होता बंदा, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेंग्विन, तो ऑप्टिमिस्टिक का सेंग्विन, एक अच्छा वर्ड याद आ रहा बट ओके चलो आएगा तो बताएंगे, बहुत सारे ऐसे चलते रहते, सचिन इज अ वेरी कोऑपरेटिव बाई नेचर, जो कोऑपरेटिव उसका नेचर है सभी पता, कोऑपरेशन मतलब आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने जा रहे हो, यू आर ड्रीमिंग टू ज्वाइन आर्म फोर्सेज एंड यू डोंट नो द वर्ड कोऑपरेशन, आयुष मैट, सच में हम यही बोलेंगे, कोऑपरेशन अगर नहीं जानते हो तो अपनी एक एक तो नॉर्मल सी ओएलक्यू पहले तो हटा दी, बिलीव नहीं करते मान लो वो एलक्यू पर, एक अच्छी क्वालिटी तो आप में नहीं होगी फिर, क्योंकि ये वर्ड साथ में काम करना, साथ में काम करने मतलब जो साथ में काम करते हो और लोगों का साथ लेकर चलते हो, तो अगर आप में मतलब ये क्वालिटी है तो आप हमें जरा बताना, इसका होमवर्क है ये फिर कि इसका आंसर क्या होगा, स्लाइड नंबर नहीं, स्लाइड नंबर नहीं है इसमें, आए 40 स्लाइड नंबर है, चाहे स्लाइड नंबर 40 कर देना, चाहे आप टाइम स्टैम्प डालना और बताना आपको कि इसका आंसर क्या होगा, ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा लंबा सेशन था वो कैब का, बट काफी लोग डिमांड कर रहे थे लंबे सेशन की वो कैब की, तो हियर इट इज एंड आई होप यू गाइज विल लाइक इट, विल सब्सक्राइब द चैनल, विल शेयर द वीडियो टू योर अदर फ्रेंड्स, हेल्पफुल फ्रेंड्स एंड नीडी फ्रेंड्स, एंड इट विल ऑल्सो मोटिवेट मी टू वर्क मोर इन द फेवर ऑफ योर्स, एंड आई विल वर्क और करेंगे यार साथ में करेंगे, मतलब साथ में क्या फोड़ेंगे साथ में, और क्या एग्जाम ही तो है छोड़ो, फुद्दू सा एग्जाम है, राजीव सर कहते हैं ना फुद्दू सी चीजें हैं, नजरिया बदलो नजारा बदलेंगे, चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, सी यू लेटर, थैंक यू।